अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मलक इब्राहिम एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों को बताता चले कि ये जो गाड़ी की रिव्यू हम आपको कराने जा रहे हैं, ये 2010 मॉडल कल्टस है। इसकी तमाम तरह डिटेल भी आपको देंगे, लोकेशन भी बताएंगे और साथ में इसकी प्राइस और ओनर का कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आपको दी जाएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं गाड़ी की डिटेल की तरफ जाते हैं, और गाड़ी की डिटेल ये है कि गाड़ी ब्लू कलर में है, टोटली जेन्युइन कंडीशन है इसकी, किसी भी किस्म का पेशअप इसमें नहीं है। इसकी इंजन की बात की जाए तो ये 100% ओके कंडीशन में है। इनर आउटर टोटल सील टू सील जेन्युइन कंडीशन है इसकी। फर्स्ट ओनर है इसका, होम यूज कार। और भी इसकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें मलक मोटर्स को। इस पर आपको आपके पसंद की गाड़ियों की वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की गाड़ी चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हमें इस तरह की गाड़ी चाहिए। हम आपको इस गाड़ी की पिक्चर्स वीडियोस देंगे और साथ में उसकी डिटेल भी देंगे। ये एक भाई ने फरमाइश की थी कि मेरे लिए कल्टस 9, 10, 11 मॉडल तक ले आओ, तो मैंने इसकी फरमाइश पूरी कर दी और इसके लिए ये कल्टस 2010 मॉडल ले आया। ये जो है ये लाहौर नंबर है इसका, और टोकन वगैरह जो है ये 100% ओके हैं। इसकी इंटीरियर जो है वो भी बिल्कुल स्मूथ कंडीशन में है, स्मूथ ड्राइव है इसका, किसी भी किस्म का काम नहीं है इस गाड़ी में सिंगल रुपये का। आप देख सकते हो न्यू टायर भी इसमें इंस्टॉल की गई है। सीटों की बात की जाए तो सीटी बेंच अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही अच्छी कंडीशन में मौजूद है। इंजन 100% ओके है। गाड़ी में मैकेनिकली किसी किस्म का काम नहीं है। आप खुद इसकी कंडीशन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो। इसकी लोकेशन जो है ये मीरपुर खास है, और ओनर का कॉन्टेक्ट नंबर भी आपके साथ हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अपनी पसंद की गाड़ियाँ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।